हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे क्रैकर्स में आपका। फ्रेंड्स, HPSSC HRTC का एग्ज़ाम 19 अप्रैल को होने वाला है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, GK का जो है ना पार्ट टू मैं लेके आ चुका हूँ। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, होगा हर बच्चे के लिए। देखिए फ्रेंड्स, अभी आप घर में बैठे हो, आराम से इस पेपर का अच्छा सा सॉल्यूशन करिएगा, आराम से इसको रट लीजिएगा। जितना मैं मेहनत करा रहा हूँ फ्रेंड्स, जितना मैं मेहनत करा रहा हूँ, सभी को प्रोत्साहित करने के लिए धन्यवाद भाई लोग। पहले वीडियो में देखिए फ्रेंड्स, अच्छे खासे मुझे लाइक मिले हैं, 32 अभी तक मिले हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि भाई मैंने इतना ही मेहनत किया कि आज सिर्फ 32 लाइक्स के लिए। तो प्लीज़ यार, अगर आप थोड़ा सा भी अच्छा लगता है आपको वीडियो, तो लाइक करिए, इस बंदे को सलाम करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, HPSSC HRTC कंडक्टर का एग्ज़ाम जो है पार्ट टू का, ये जो है सेकेंड 200+, इसमें देखिए फ्रेंड्स 200+ नहीं, कम से कम 250+ क्वेश्चंस आपको मैं कराऊंगा। तो पूरा दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि इतने अच्छे क्वेश्चंस आपको कोई YouTube में कोई जल्दी नहीं कराने वाला। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो भाई, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ऋषि वशिष्ठ मंदिर किसके समीप स्थित है? तो मनाली के समीप स्थित है, ठीक है। पहले वीडियो मैंने फ्रेंड्स 200 क्वेश्चंस कराए हैं। अगर आपको नहीं मिला वीडियो का लिंक, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो आप चैनल में विजिट करिएगा। HPSSC HRTC कंडक्टर का जो एग्ज़ाम का जो है ना, HP का हिमाचल प्रदेश का जो GK है, टॉप सर्च करिएगा, रेलवे क्रैकर्स मारिएगा, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, किस जिले की प्रति व्यक्ति बचत सर्वाधिक है? तो हमीरपुर जिले की जो है ना प्रति व्यक्ति बचत जो है ना सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध नाहर सिंह मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये बिलासपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला रिड्स में बने टाउन हॉल का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेंड्स, हेनरी इरविन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सेंट राजा किस फल की किस्म है? तो सेंट राजा पूछा गया है तो ये आलू बुखारा की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बलद्वाड़ा तहसील किस जिले में स्थित है? फ्रेंड्स, ये मंडी जिले में स्थित है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का प्रथम उपराज्यपाल कौन था? तो मेजर जनरल हिम्मत सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, इस वीडियो को स्किप करोगे तो आपको बहुत मेहनत जो है ना भुगतान होगा। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश के जितने भी एग्जाम होंगे ना, ये वीडियो आपके उन सभी बच्चों के लिए है जो हिमाचल प्रदेश में रहने वाले हैं। तो वीडियो को हर उन बच्चे को शेयर करिए जो कि हिमाचल प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य की कामना कर रहे हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का प्रथम उपराज्यपाल मैंने बताया फ्रेंड्स, मेजर जनरल हिम्मत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का मुख्य आयुक्त अर्थात चीफ कमिश्नर कौन था? तो NC मेहता। दुलाची दुलची दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? फ्रेंड, तो मंडी कुल्लू जिले में ये स्थित है। हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में सबसे कम साक्षर व्यक्ति है? तो चंबा जिले में जो है सबसे कम साक्षर व्यक्ति है। आज़ाद हिंद फौज के गीत का श्रेय किसे जाता है? आज़ाद हिंद फौज का जो गीत का जो श्रेय है, राम सिंह ठाकुर को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो शिमला जिले के किस स्थान पर दूध पाउडर प्लांट स्थित है? तो दंत नगर जो जगह में दूध पावर प्लांट स्थित है। स्वतंत्रता से पूर्व 6 ब्रिटिश कमांडर इन चीफ का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय कौन सा भवन था? तो बॉर्नेस कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाको झील किस जिले में स्थित है? फ्रेंड, तो नाको जो झील है वो किन्नौर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक जनश्रुति के अनुसार सतलुज नदी को मानसरोवर झील से हिमाचल प्रदेश में लाने का श्रेय किसे है? तो बाणा सुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में वर्षा का औसत क्या है? फ्रेंड, तो 1600 मिलीमीटर, ठीक है, MM। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकिला ग्लेशियर जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में है, उसकी जो समुद्र तल में ऊंचाई कितनी है? तो देखिए, समुद्र तल से ऊंचाई पूछा गया है तो फ्रेंड्स 6478 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऊना और हमीरपुर जिले की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? तो ऊना और हमीरपुर जिले की पहाड़ियों को शिवालिक पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। मुलगन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो मुलगन जो घाटी है वो किन्नौर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? किन्नौर जिले में स्थित है। जाजूराना हिमाचल प्रदेश राज्य पक्षी प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड, तो सराहन रामपुर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कियांग पशु किस जिले में पाया जाता है? तो कियांग के पशु है किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो किस धर्म ग्रंथ के अनुसार कोल यक्ष और नाग जैसी अनार्य जनजातियां हिमाचल प्रदेश में आर्यों से पहले बसी हुई थी? तो ऋग्वेद के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अपने प्राचीनतम ढांचे के लिए प्रसिद्ध गांव जिसका नाम सिकंदर महान से जोड़ा जाता है कौन सा हो जाएगा उसका नाम? तो मलाना गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोरमाण कौन था? तो 5वीं शताब्दी का एक हूण आक्रमणकारी व शासक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रियासत की समृद्धि और खुशहाल के लिए गुरु गोविंद सिंह ने 18 दिनों तक अखंड कीर्तन किया था? तो मंडी रियासत की खुशहाली और समृद्धि के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ फ्रेंड्स, तो वीडियो को एकदम स्किप मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडी के किस शासक ने 1625 ईस्वी में कमलाह किले का निर्माण किया था? तो आंसर क्या हो जाए फ्रेंड्स, सूरज सेन ने कमलाह किले का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व राजवंशी राज्य बाघल और बघाट किस जिले के भाग थे? तो सोलन जिले के ये भाग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बुशहर रियासत का अंतिम शासक कौन था? पदम सिंह हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1971 ईस्वी में की गई थी। भोरंज किस जिले की तहसील है? तो हमीरपुर जिले की ये तहसील है। प्रसिद्ध शैडविक झरना कहाँ पर स्थित है? तो ये शिमला में स्थित है। कहाँ पर है? शिमला में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी को लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो सतलुज नदी को लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। पर्यटन मानचित्र पर हिमाचल प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो देवभूमि के नाम से जाना जाता है पर्यटन मानचित्र पर। कांगड़ा में भूकंप कब आया हुआ था? तो 4 अप्रैल 1905 ईस्वी में कांगड़ा में भूकंप आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बकलोह नामक सैनिक छावनी कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड तो बकलोह नामक सैनिक छावनी जो है ना आपका चंबा में स्थित है। कहाँ पर है? चंबा में स्थित है। क्वेश्चन को देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन के लेवल को देखिए फ्रेंड्स, लाइक बनता है यार, इतना मेहनत करता हूँ तो एक लाइक जरूर बनता है, शेयर जरूर बनता है। ठीक है, तो 84 साधु समूह के नेता के रूप में साहिल वर्मन को 10 पुत्रों व एक पुत्री की का पिता बनाने का आशीर्वाद किसने दिया था? तो चरपट नाथ ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो गुलेर का वह शासक जिसे शाहजहां ने शेर अफगान का नाम दिया है? तो मान सिंह ने यह दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1809 ईस्वी में ज्वालामुखी की संधि किसके किसके बीच हुई थी? तो संसार चंद व रणजीत सिंह के बीच हुई थी 1809 ईस्वी में ज्वालामुखी की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो केंगुर और तेन्यूर जो तेनंगयूर किस समुदाय के धर्म ग्रंथ हैं? तो लहुली समुदाय के धर्म ग्रंथ हैं। केलांग सुंदरी किसका अभिधान था? अभिधान है तो ये देखिए, शैल श्रृंग पर्वत की चोटी का एक अभियान है। वाजिरी रूपी किस जिले में है? तो कुल्लू जिले में जो ना वाजिरी रूपी है। कुल्लू अर्थात कुल्लू रियासत का संस्थापक कौन था? तो विहंग मणिपाल। ठीक है, हमीरपुर जिले का नदौन कस्बा किस नदी के किनारे बसा है? तो ब्यास नदी किनारे बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो तेम्पोला दर्रा जिसकी ऊंचाई 4890 मीटर है वह हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो लाहौल स्पीति जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड तो चकुली तांबे के सिक्के जो 10वीं शताब्दी के आसपास मौजूद थे हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये चंबा क्षेत्र से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारे के सारे क्वेश्चन याद हो जाए। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के जनक पिता श्री जयपुर रियासत में एक प्रतिष्ठित पद पर आसीन थे, वह पद कौन था? तो प्राचार्य महाराजा कालिज का। हिंदी के किस उपन्यासकार का हिमाचल प्रदेश के आतंकवादी आंदोलन से संबंध है? तो याद रहे फ्रेंड, संबंध जो था यशपाल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवालसर में किस बौद्ध भिक्षु का जन्म हुआ था? तो पद्म संभव का जन्म हुआ था रिवालसर में। हिमाचल प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त तो कौन था? तो न्यायमूर्ति TVR टाटाचरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो जोगिंदर नगर में मंडी जिले में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक AO ह्यूम शिमला में किस भवन में रहता था? तो रोथली कैंसल में रहता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने आप बोलो ना हिमाचल प्रदेश के जितने भी जीके क्वेश्चंस होते हैं सारे यहीं से आएंगे। इसका मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, अगर आपको हिमाचल प्रदेश का कभी भी कोई भी एग्जाम अगर जीके का देना है तो ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है, जरूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अंग्रेजों ने भगवान को धन्यवाद के रूप में किस वर्ष शिमला में बिशप कार्टन स्कूल खोला गया था? 1859 ईस्वी में बिशप कार्टन स्कूल खोला गया था।
शिमला का गेयटी थिएटर आम जनता को कब समर्पित किया गया? 1887 ईस्वी में। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1971 ईस्वी में 25 जनवरी 1971 को इसके उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, भारत की संसद ने, भारत की देखिए संसद ने हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम कब पास किया था? तो 18 दिसंबर 1970 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1948 में मुख्य आयुक्त प्रांत चीफ कमिश्नर प्रोविंस हिमाचल प्रदेश में कितने जिले हैं थे? तो 4 जिले हैं, चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। 4 जिलों के नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। डलहौजी हिमाचल प्रदेश में विलय से पहले किस जिले का भाग था? तो गुरदासपुर जिले का ये भाग था। हिमाचल प्रदेश से कौन कौन जो है प्रथम लोकसभा के लिए निर्विरोध चुना गया था? तो आनंद चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की राजभाषा कौन सी है? तो हिंदी हो जाएगी हिमाचल प्रदेश की राजभाषा। संसद के लिए हिमाचल प्रदेश में कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 7 सदस्य चुने जाते हैं, जो कि 4 जो है ना लोकसभा सदस्य होते हैं और 3 राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा जो कि उचला और निचला सदन से प्रख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संजय कुमार जिन्हें कारगिल युद्ध के समय परमवीर चक्र प्रदान किया गया था किस जिले से संबंधित हैं? तो बिलासपुर जिले से ये संबंधित हैं। कुंजू चंचलू प्रेमी युगल का संबंध किस जिले से था? तो फ्रेंड चंबा जिले से था, जो कि प्रेमी युगल थे इनका जो संबंध पूछा गया है तो चंबा जिले से। ठीक है, आपको 19 अप्रैल का जो HPSSC HRTC का जो एग्जाम होने वाला है, अभी देखिए फ्रेंड्स मैं कुछ नहीं कह सकता कि आपका एग्जाम होगा या नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर एग्जाम इसका भी शायद पोस्टपोन कराया जाएगा या क्या कराया जाएगा, मुझे बताइए। देखिए अभी मैं बता दूं फ्रेंड, CBSE जो बोर्ड है ना, CBSE जो कि राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड जो भी बोल सकते हो, सारे के सारे बोर्डों ने ये सूचना दी है कि 14 अप्रैल के बाद जिनका जिनका जो बोर्ड का एग्ज़ाम बचा पड़ा हुआ है उनके जो है ना 10th और 12th के जो है आपको डेट शीट तो जारी कर दिया गया है, बट क्या उन्होंने किया है, देखिए उन्होंने बताया कि 10 दिन के बाद ही डिसाइड हो पाएगा कि एग्ज़ाम होगा या नहीं। तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि ये सारे के सारे एग्ज़ाम होंगे या नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप प्रिपरेशन हार्ड वर्क रखिएगा ताकि आपका जो एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके मैं क्वेश्चंस लेके आने का। तो प्लीज़ व्यूअर्स, जितने भी मेरे व्यूअर हैं, जितने मेरे भाई और बहनें हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, किस क्षेत्र में मिंधल देवी के आशीर्वाद के फलस्वरूप हल जोतने के लिए केवल एक बैल की आवश्यकता होती है? तो पांगी घाटी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत तथ्यजनक क्वेश्चन है। की मठ कहाँ पर है? तो देखिए फ्रेंड्स की मठ जो है ना स्पीति में है। ठीक है, अबॉड ऑफ गॉड के लेखक कौन है? तो एंड्रयू विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निर्मंड का भुंडा उत्सव कितने अंतराल के बाद मनाया जाता है? तो निर्मंड का भुंडा महोत्सव जो है ना 12 वर्ष के बाद मनाया जाता है। चंद्रा और भागा घाटी का नववर्ष त्यौहार किस नाम से जाना जाता है? जो चंद्रा और भागी घाटी का जो नववर्ष है हाल्दो नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉरिक आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? तो रॉरिक आर्ट जो गैलरी है नगर में स्थित है, जो कि कुल्लू जिले में स्थित है। क्षेत्रीय परिषद अर्थात 1957 से लेकर 1963 के अध्यक्ष ठाकुर कर्म सिंह मंडी जिले के किस स्थान से संबंधित है? तो चचियोट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अर्थात NIT किस जिले में है? तो हमीरपुर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुकरात नामक गाने में चंबा की किस रानी के बलिदान का विवरण है? तो रानी नैना देवी का विवरण है, सुनैना देवी राजा साहिल वर्मन की पत्नी थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते रहिएगा और आपको इतने तो माइंड में आ ही जाएगा कि हिमाचल प्रदेश के अगर आपको कोई भी वीडियो अगर यूट्यूब में मिलेंगे तो इससे अच्छा वीडियो आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं करने वाला। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में किस स्थान पर महिषासुर मर्दिनी की धातु की मूर्ति है? तो हार्ट कोटी में महिषासुर मर्दिनी की धातु की मूर्ति है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के दौरान लाहौल के किस वजीर को 6ठी लेबर कोर में जमादार के रूप में कमांड दी गई थी? तो वजीर अमीरचंद को जो है ना जमादार के रूप में कमांड दी गई थी। इन्हें राय बहादुर की उपाधि भी प्रदान की गई थी। बिलासपुर में बोले जाने वाली बोलियों को किसने 6 वर्गों में बांटा है? तो टी ग्रहम बेली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा का पहला मुगल गवर्नर कौन था? तो नवाब अली खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में शयन तथा शाबू लोक नृत्य किस जिले में से संबंधित है? तो लाहौल स्पीति जिले से ये संबंधित है। लाहौल स्पीति में कूट का खेती जो है ना कब आरंभ की गई थी? तो 1925 ईस्वी में ये की गई थी कूट की खेती। हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष
लैंड होल्डिंग एक्ट पास किया गया था, तो 1972 ईस्वी में लैंड होल्डिंग जो एक्ट है वो पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 1966 में हिमाचल प्रदेश में विलय से पूर्व ऊना किस जिले का हिस्सा था? होशियारपुर जिले का एक हिस्सा था। नोनो अर्थात नोनो वजीर किस रियासत से संबंध रखते थे? तो लाहौल स्पीति रियासत से संबंध रखते थे। कुल्लू घाटी में ब्रिटिश किस्म के सेब के बाग किसने लगाए थे? तो आरसी ली ने लगाए थे। सबसे कम आबाद गांव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो कुल्लू जिले में है। ठीक है, तिब्बती किन्नौर को किस नाम से जानते थे? तो खूनू नाम से जानते थे तिब्बती किन्नौर। किन्नौर जिला किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो मंडी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। स्पीति घाटी का अंतिम गांव कौन सा है? तो लोसर गांव। क्या नाम है? लोसर गांव। ठीक है, नूरपुर राज्य के इतिहास में स्वर्ण युग किस राजा के युग को कहा जाता था? तो जगत सिंह के युग को कहा जाता था नूरपुर राज्य के इतिहास में स्वर्ण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा की सबसे छोटी रियासत क्षेत्रफल के आधार पर कौन थी? तो कुटलेहर रियासत। शाहपुर किले का निर्माण किसने करवाया था? तो भक्त मल ने शाहपुर किले का निर्माण करवाया था। चंबा में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो 5 विधानसभा सीटें हैं। क्वेश्चंस थोड़ा मैं फास्ट कराऊंगा क्योंकि इसमें एक दो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कम से कम 250 प्लस क्वेश्चन है, अर्थात अप्रॉक्स 300 के प्लस क्वेश्चन है। लॉर्ड कर्जन प्रथम बार चंबा कब आए थे? तो 1900 ईस्वी में आए थे। धमेरी किसका प्राचीन नाम है? तो फ्रेंड्स नूरपुर का एक प्राचीन नाम था। ऋग्वेद में वर्णित दशराग का क्या अर्थ है? दश आर्य राजाओं का युद्ध। 1914 से 15 के प्रसिद्ध मंडी षड्यंत्र का नेतृत्व तो किसने किया था? तो मियां जवाहर सिंह ने। गोरखा कमांडर भक्ति थापा 1815 ईस्वी में किस स्थान पर मारा गया था? तो मल्लौन दुर्ग में। ठीक है, क्वेश्चन में अगर कोई भी प्रॉब्लम कुछ भी गलत हो गया मेरे से तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। मणिमहेश झील किस जिले में स्थित है? तो चंबा जिले में स्थित है। रोहला झरना किस जिले में स्थित है? तो कुल्लू जिले में स्थित है रोहला झरना। ठीक है, बसपा किस नदी की सहायक नदी? तो फ्रेंड्स बसपा जो है आपकी सतलुज नदी की सहायक नदी कहलाती है। स्पीति में औसतन कितनी वर्षा होती है? फ्रेंड्स तो 50 मिलीमीटर वर्षा होती है स्पीति में। ठीक है, नरसिंह टिब्बा और गौरी देवी का टिब्बा पर्वत चोटियां जो है किस जिले में स्थित है? तो चंबा में स्थित है। तामसर दर्रा किस जिले में पड़ता है? फ्रेंड तो कांगड़ा जिले में पड़ता है तामसर दर्रा। यूनाम सी झील कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स लाहौल घाटी में यूनाम सी झील है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1972 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम की स्थापना हुई थी। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास किस क्षेत्र में बिताया था? फ्रेंड तो महासू में इन्होंने बिताया था 12 वर्ष का वनवास। ठीक है, शिमला और सिरमौर के बीच कौन सी पर्वत चोटी स्थित है? फ्रेंड तो चूड़धार पर्वत चोटी। आम्रपाली और मल्लिका किसकी किस्में हैं? तो फ्रेंड्स आम की किस्में हैं। हिमाचल प्रदेश में बुनकरों की सुरक्षा के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? तो महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर सबसे पहले आधुनिक फल संवर्धन संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो परवाणु में, जिला सोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम किस संस्था द्वारा संचालित किया जाता है? तो स्मॉल इंडस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट द्वारा ये संचालित किया जाता है। टिम्बर ट्रेल क्या है? तो रोप वे होता है। टिम्बर ट्रेल रोप वे को कहते हैं। ऊंचा हिमालय नामक समाचार पत्र हिमाचल प्रदेश में कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? फ्रेंड जाता है तो शिमला से। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का कार्यालय कहाँ पर है? फ्रेंड तो ये शिमला में ही लोक सेवा आयोग का कार्यालय। हिमाचल प्रदेश में जुलाई 1963 को किस व्यक्ति के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ था? डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था तब हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? श्री देशराज महाजन। चंबा रियासत का अंतिम शासक कौन था? तो लक्ष्मण सिंह जो है ना चंबा रियासत का अंतिम शासक था। अवयस्क लड़कियों द्वारा किए जाने वाले नृत्य को क्या कहा जाता है? फ्रेंड तो किकली नृत्य। सिराज की दासी नामक लोकगीत किस जिले से संबंधित है? फ्रेंड तो मंडी जिले से संबंधित है। पठानकोट से जोगिंदर नगर तक रेल लाइन का निर्माण किस वर्ष किया गया? 1926 ईस्वी में किया गया। हिमाचल प्रदेश में राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? उत्पाद शुल्क और विक्रय कर। चमेरा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो चंबा जिले में। ऊना जिले का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? तो फ्रेंड देहला गांव। प्राचीन काल में चंबा रियासत का मुख्य राजधानी कहां पर स्थित है? फ्रेंड तो ब्रह्मापुर में। सुहाग गीत निम्नलिखित में से किसकी सही पुष्टि करता है? फ्रेंड तो कन्या विवाह की सही पुष्टि करता है। आजाद हिंद फौज के सिपाही बख्शी प्रताप सिंह का जन्म कांगड़ा जिले के किस गाँव में हुआ था? फ्रेंड चढ़ियार गाँव में।
हिमाचल प्रदेश से संबंधित किस व्यक्ति को वर्ष 1962 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? तो मेजर धन सिंह थापा को। मेजर महाजन मेहरचंद महाजन में कौन थे फ्रेंड? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। हाई सीनियर सेकेंडरी शिक्षा में संबंधित शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो धर्मशाला में। विकलांगों हेतु औद्योगिक शिक्षण संस्थान एवं बहु तकनीकी संस्थान किस स्थान पर है? सुंदर नगर में। किस साहसिक खेल में खिलाड़ी को कुछ दूरी तक दौड़ना पड़ता है फ्रेंड? तो हैंग ग्लाइडिंग खेल में। मिनहाल बसार देवी किस जनजाति से संबंधित है फ्रेंड? पंगवाल जनजाति से संबंधित है। नेगी शब्द किस जनजाति के लिए प्रयुक्त हुआ है फ्रेंड? तो किन्नौर जनजाति के लिए प्रयुक्त हुआ है। त्रिगर्त रियासत कितने राज्यों का समूह था? तो फ्रेंड्स ये 6 राज्यों का समूह था, कौरव शक्ति, जलमनी, जानकी, ब्रह्मपुत्र, इंडकी तथा कंद्रोपथा प्रथा नमक राज्यों का समूह था। और दुम्बरों के सिक्कों पर किसके चित्र अंकित मिले हैं फ्रेंड्स? त्रिशूल और बैल के चित्र अंकित मिले हैं। हिमाचल प्रदेश के आर्यस राजा देवोदास का मुख्य सलाहकार कौन था? ऋषि भारद्वाज। महाराजा रणजीत सिंह ने संसार चंद्र में कांगड़ा किला कब प्राप्त किया? 1809 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के पहले दशक में हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण करने वाली गोरखा सेना का कमांडर कौन था? अमर सिंह थापा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस देशी रियासत ने तटस्थता का दृष्टिकोण अपनाया था? न अंग्रेजों का, न विद्रोहियों का साथ दिया। तो बुशहर रियासत ने। महल मौर्या नामक स्थान जहां कांगड़ा के राजा संसार चंद्र और गोरखों के मध्य लड़ाई हुई थी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है फ्रेंड? तो हमीरपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश का कितना प्रतिशत भाग है फ्रेंड? तो 2.01%। 1809 से 1846 ईस्वी तक हमीरपुर किसके अधीन था फ्रेंड? तो सिखों के अधीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1820 ईस्वी में सुकेत आने वाले यूरोपीय कौन थे फ्रेंड? तो विलियम मूरक्रॉफ्ट। मंडी रियासत किस राज्य की शाखा थी? तो फ्रेंड सुकेत रियासत की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलासपुर के किस राजा ने सिंदूर सीमा पर एक किले का निर्माण किया था फ्रेंड? तो कल्याण चंद ने। कोटधार, नैना देवी धार और त्यूनधर किस जिले में स्थित है फ्रेंड? तो बिलासपुर जिले में। हिमाचल प्रदेश जिले के किस स्थान पर महिला पॉलिटेक्निक संस्थान है फ्रेंड्स? कंडा घाट में। कुठार रियासत की स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स? सूरत चंद ने कुठार रियासत की स्थापना की थी। सोलन जिले में कितनी विधानसभा सीटें हैं फ्रेंड्स? तो 5 विधानसभा सीटें हैं। सुप्रसिद्ध गंधक चश्मा वशिष्ट किस नदी के किनारे स्थित है फ्रेंड्स? तो ब्यास नदी किनारे स्थित है। दुलिंग, सोलदांग और गंभर किसकी सहायक नदियां हैं फ्रेंड्स? सतलुज नदी की एक सहायक नदियां हैं। दुधोन और पार्वती ग्लेशियर किस जिले में स्थित है फ्रेंड्स? तो कुल्लू जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो पथरीली, चिकनी एवं कीचड़ रूपी मिट्टी। श्रीखंड, महादेव और इंद्रकिला चोटिया किस जिले में स्थित है? तो कुल्लू जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में अल्पाइन प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? तो स्पीति घाटी में। किन्नौर जिले में स्थित लिप्पा असरंग वन्य जीव विहार मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याक के लिए। प्रदेश की कौन सी घाटी नींबू उत्पादन के लिए सर्वोच्च है? तो शिवालिक घाटी जो है नींबू के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तोड़ा दर्रा हिमाचल प्रदेश के किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो कांगड़ा और चंबा को। इसकी इकाएं दर्रे की ऊंचाई यहाँ पर जो मिसिंग हो गई है। ठीक है, तो इससे ऑब्वियसली पूछा जाता है दो स्थान को जोड़ता है, तो कांगड़ा और चंबा को याद कर सकते हो। हिमाचल प्रदेश में कुल कितने किस स्थान पर भेड़ प्रजनन केंद्र खोला गया था? जूरी, शिमला में, नगवाई, मंडी में, ताल हमीरपुर में। उस गदर का क्या नाम था जिससे कांगड़ा के राजा शरद संसार चंद्र को प्यार हो गया था? फ्रेंड्स नोखू को। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान निदेशालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1996 से 1997 ईस्वी में। 2008 से 2009 में हिमाचल प्रदेश द्वारा विकलांग लोगों के लिए जारी की गई विस्तृत एकीकृत योजना क्या है? सहयोग योजना। हिमाचल प्रदेश में छोटे और मध्यम कस्बों में शहरी संरचना विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए कार्यकारी संस्था कौन सी है? तो हिमुडा, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति हीरा सिंह ठाकुर। सरोजिनी नायडू ने हिमाचल प्रदेश के किस व्यक्ति को पहाड़ी बुलबुल कहा था? तो बाबा काशीराम जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निशानेबाज विजय कुमार सिंह कुमार किस जिले से संबंध रखते हैं? तो हमीरपुर जिले से। डोरंड कप किस मैदान पर शुरू हुआ? तो अन्नाडेल मैदान शिमला में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट खली का क्या नाम है? तो दिलीप सिंह राणा घिरयाड़ सिरमौर के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, SCERT राज्यसभा स्वर परिषद शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कहाँ पर स्थित है? तो ये सोलन में स्थित है।
किन्नौर जिले में किस स्थान पर जवाहर नवोदय स्कूल स्थित है? तो रिकांगपिओ में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना किस वर्ग के परिवारों के लिए दिए जाते हैं? तो 60 वर्ष के बीपीएल वृद्धों के लिए दिए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के किन जिलों को में सर्वप्रथम नरेगा शुरू हुआ था? फ्रेंड चंबा और सिरमौर जिले में। स्वान परियोजना किस जिले में है? तो फ्रेंड्स ऊना जिले में। हिमाचल प्रदेश में अंगोरा खरगोश फार्म कहाँ पर है? फ्रेंड तो कंदवाड़ी कांगड़ा और नगवाई मंडी में। मत्स्य विभाग का निदेशालय कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड तो ये बिलासपुर में स्थित है। बयांगी छम्बू और देसर किसकी किस्में हैं? तो ऊन की किस्में हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में 50% से अधिक व्यय किया गया था? तो फ्रेंड सड़क निर्माण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कूट एवं शुष्क फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड तो ये केलांग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोवियत संघ रूस की सहायता में निर्मित 800 मेगावाट की कोल बांध सतलुज नदी पर निर्मित परियोजना किस जिले में स्थित है? फ्रेंड तो ये बिलासपुर जिले में स्थित है। बिनवा जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो कांगड़ा जिले में बानू खड्ड पर यह स्थित है। लाल चंद प्राथी कला केंद्र कहाँ पर है? फ्रेंड ये कुल्लू में है, ठीक है। शिमला राज्य संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो फ्रेंड 1971 में की गई थी। गुरु गोविंद सिंह ने दशम ग्रंथ की रचना कहाँ पर की थी? फ्रेंड पौंटा साहिब में 1685 से लेकर 1688 के बीच। किसको लोमस ऋषि के नाम से जाना जाता है? फ्रेंड तो पदम संभव को। लदा रचा मेला कहाँ पर होता है? फ्रेंड तो किब्बर में लाहौल स्पीति में। मणिमहेश यात्रा किस महीने में होती है? फ्रेंड तो सितंबर में। किस देवी के आगमन से कुल्लू का दशहरा प्रारंभ होता है? फ्रेंड तो हिडिंबा देवी के। ट्रेवल इन द हिमालयन प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? फ्रेंड तो विलियम मुरक्राफ्ट। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? फ्रेंड तो नीरथ में शिमला में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में कौन सी जाति सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? फ्रेंड तो राजपूत जो जाति है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। झंझराड़ा किस प्रकार है? फ्रेंड तो ये विवाह का एक प्रकार है। छोहारा नृत्य किस जिले से संबंधित है? फ्रेंड तो ये छोहारा नृत्य जो कि किन्नौर जिले से संबंधित है। टांकरी लिपि किस तरफ से लिखी जाती है? फ्रेंड तो दाएं से बाएं। शिमला में थल सेना मुख्यालय स्थायी रूप से में कब स्थापित किया गया था? फ्रेंड तो 1864 ईस्वी में। हिमाचल प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? तो फ्रेंड ठाकुर राम लाल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का भवन कांगड़ा किले के किस स्थान पर स्थित है? फ्रेंड तो सिद्धवाड़ी तपोवन में स्थित है। किस वर्ष हिमाचल प्रदेश को 3 प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया? तो फ्रेंड 1968 ईस्वी में। हिमाचल प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? फ्रेंड तो 1977 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला समझौता भारत पाकिस्तान के बीच किस वर्ष हुआ था? तो 1972 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स कैसे लगे यार, जरूर कमेंट करके बताइए, और ऐसे ही क्वेश्चंस पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, अगर आपको हिमाचल प्रदेश के जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं ना, आप क्या करते हो यूट्यूब में वीडियो खंगालने लगते हो, लेकिन कोई ऐसा एक ट्रस्टेड वीडियो नहीं मिलता जिसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बैक टू बैक मिलते रहे। तो याद रहे फ्रेंड्स, अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी जोन से हो, किसी भी जिले से बिलोंग कर रहे हो, तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करिएगा, और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो गए हो तो वहाँ मैं आपको PDF सेंड कर दूँगा, PDF नहीं तो इसके पेजेस सेंड कर दूँगा, तो वहाँ से इसको ज़रूर डाउनलोड करिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि किन किन बच्चों ने वो पेजेस या PDF डाउनलोड किए हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तभी मैं बता सकूँगा कि आपने पढ़ाई कर रहे हो या नहीं। इससे तो नहीं पता चलता ना कि आप पढ़ाई कर भी रहे हो नहीं, मैं बेकार पढ़ा रहा हूँ या ऐसे ही कुछ करा रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए आप कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट में ये पता चलता है हमें कि आप भी पढ़ रहे हो, और हमें उसके साथ साथ मैं भी अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और देखिए मुझे टाइम जैसे मिलेगा वैसे मैं कवर कराऊंगा सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।